वेलकम टू शार्क मार्केट। एक इंट्राडे ट्रेडर की जिंदगानी, इसमें कितनी है कशमकश और कितनी है आसानी, आज हम जानेंगे डीएमडी की जुबानी, लाइफ ऑफ अ इंट्राडे ट्रेडर। आइए दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल डीएमडी में, जहां हम चर्चा करते हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड बातों का। सो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं, और वीडियो की शुरुआत करने से मैं पहले आपको बता देता हूं कि इस तरह की एक वीडियो जिसमें हमने लाइफ ऑफ अ स्विंग ट्रेडर डिस्कस किया है, वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। देखिए, ऊपर लिंक आ रहा होगा, आप उसको जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो वीडियो। जो भी स्विंग ट्रेडर में अपनी रुचि रखते हैं, या जो भी स्विंग ट्रेडर्स हैं, उनकी एक प्रोफेशनल लाइफ कैसी होनी चाहिए या कैसी होती है, उसके बारे में और बहुत सारे अन पॉइंट्स उसमें डिस्कस किए गए हैं, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। सो शुरुआत करते हैं आज इंट्राडे ट्रेडर की कहानी से, कि एक इंट्राडे ट्रेडर जो होता है, जो दिन में ही बेचता है, दिन में ही खरीदता है, या दिन में ही खरीदता है और दिन में ही बेचता है, इस तरह के जो ट्रेडर्स होते हैं, जो एक दिन में ही काम करना ज्यादा पसंद करते हैं, उनको हम कहते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स। छोटी सी पहले मैं आपको बात बता देता हूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग आखिर होती क्या है। देखिए, इंट्राडे शब्द से ही समझ में आ रहा है हम लोगों को कि इंट्राडे, एक दिन के अंदर जो भी कुछ आपको करना है वो एक दिन के अंदर ही करना है, या जो मार्केट टाइम होता है, जैसे मान लीजिए 9:15 से 9:15 से 3:30 तक जो टाइम होता है, उसी के अंदर आपको पूरी अपनी कहानी जो है एक दिन की समाप्त करनी है। सो इस तरह की ट्रेडिंग जो होती है उसको हम कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, और जो इसको करते हैं उनको हम कहते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स। सो देखिए, मॉर्निंग रूटीन्स जैसे कि मैंने पहली वीडियो में भी डिस्कस किया है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लगभग 5 बजे उठ जाइए, और इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 बजे उठ के वो मेडिटेशन जरूर करें। देखिए, काफी स्ट्रेस रहता है इंट्राडे ट्रेडिंग में। सो इंट्राडे ट्रेडिंग को शॉर्ट में करने के लिए मैं IDT बोल दूंगा, आप समझ जाइएगा। IDT मतलब होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, उसका शॉर्ट फॉर्म, ताकि वीडियो थोड़ी कम लेंथ की बने। सो मेडिटेशन बहुत जरूरी है ITDs के लिए। उसके बाद जो टाइम आता है, एक्सरसाइज वगैरह भी, जो भी आप करना चाहें, और डे वाइज जो आपको शेयर चुनने हैं वो मॉर्निंग में बहुत जरूरी है चुनना। इस तरह से आप अपना मॉर्निंग रूटीन जरूर बनाइए, बहुत जरूरी है ये। देखिए, जिंदगी में सफलता पाने के लिए बहुत जरूरी है। ट्रेडिंग में तो ठीक है, एक अलग बात हो गई, वो आपका प्रोफेशनल करियर हो गया, लेकिन ये जिंदगी से रिलेटेड है। जो आप मॉर्निंग में उठते हैं, अच्छे से उठ के आप अपना मेडिटेशन वगैरह करते हैं, अपनी किताबें वगैरह पढ़ते हैं मॉर्निंग में, मॉर्निंग का समय समझ लीजिए आपके लिए गोल्डन समय हो सकता है, सारी लाइफ भर ये आपको फायदा दे सकता है। सो इस तरह से अपना मॉर्निंग रूटीन करिए, नहाना धोना जो भी आपका होता है, अच्छा नाश्ता करिए, प्रोटीन युक्त नाश्ता करिए, ताकि दिन भर आपके एनर्जी रहे। और देखिए, नाश्ता बहुत डिपेंड करता है हमारे मेंटल हेल्थ जो होती है उस पे बहुत ही आधारित करता है। अच्छा नाश्ता आपको अच्छी मेंटल हेल्थ देगा, और प्रोटीन युक्त खाना और बहुत सारी कुछ ड्राई फ्रूट्स भी आप मॉर्निंग में ले सकते हैं। इस तरह से वो आपको माइंड को हमेशा एक्टिवेट रखेंगे, और ITDs के लिए माइंड को एक्टिवेट रखना देखिए बहुत ज़रूरी है। सो ये हमारा मॉर्निंग का जो रूटीन है, इस तरह से चलता है। और फिर लास्ट में आप बैठ जाते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, या लैपटॉप स्क्रीन के सामने, या मोबाइल स्क्रीन के सामने, जहां भी आप इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं। सो इस तरह से आपका मॉर्निंग रूटीन होना ही होना चाहिए। इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, अपनी तरह से आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आपका नेचर है, या जैसे भी आप और तरह से प्रेफर करते हैं, उस तरह से आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक कॉमन रूटीन है जो आपको फॉलो करना चाहिए। इससे इसको फॉलो करके आप बहुत ही अच्छे से, इफेक्टिव तरीके से अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग में सक्सेस पा सकते हैं। सो आइए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद चर्चा आती है मॉर्निंग रूटीन्स के बाद चर्चा आती है मिशन ITD प्रिपरेशन की। पहले तो मैं बता दूं, ये मिशन की प्रिपरेशन आपको शाम में ही कर लेनी चाहिए। कौन से शेयर्स में आपको अगले दिन इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, या कौन से शेयर्स को आपको अवॉइड करना है, ये सब आपको शाम में ही कर लेना चाहिए। मॉर्निंग में एक बार फिर से उसको प्रिपेयर कर लेना चाहिए कि हाँ, आपके जो शाम की रिसर्च थी वो सही है कि नहीं। 8:30 से देखिए 9 बजे तक, मेरा मानना है आपको पूरे एक बार फिर से अपनी रिसर्च को देख लेना चाहिए, अपना लैपटॉप, पेन पेंसिल, जो भी सब चीज़ें, डायरी, लैपटॉप, टैबलेट, अपना मोबाइल, सब कुछ अपने पास रखना चाहिए। क्योंकि देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत ही समय जो है वो बहुत ही कम रहता है,
खरीदने बेचने का। सो आप ये नहीं कर सकते कि आपका कुछ सामान भूल गए, आप कुछ सामान भूल गए उससे आपको लॉसेज हो सकते हैं। देखिए बहुत ध्यान रखिए इस बात का, इसीलिए सब कुछ सामान जो है वो अपनी डेस्क पे या जहाँ पे भी आप करते हैं वहाँ पे पहले से अरेंज कर लीजिए। उसके बाद बात आती है ट्रेडिंग स्टार्ट। देखिए 9:15 से आपकी ट्रेडिंग जो है इंटरडे ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। 9 बजे से आप देखना शुरू कर दीजिए स्क्रीन को कि उसमें जिस शेयर में आप करना चाहते हैं उसका क्या ओपनिंग प्राइस है, कैसे वो फ्लक्चुएट हो रहा है, क्या बाइंग और सेलिंग है। इस तरह से बहुत सारी जो टेक्निक्स होती हैं इंटरडे ट्रेडर की वो तो आपको पता ही होंगी। अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं सो टेक्निकल टेक्निक्स होती हैं उन पर को फॉलो करिए। बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, एक लाइफ कैसी होती है इंटरडे ट्रेडर की उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सो ट्रेडिंग स्टार्ट होती है, देखिए बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं चार्ट में, क्या प्राइस फ्लक्चुएशन है, कैसे वो ऊपर जा रहा है, कैसे थे। इस तरह से आपकी स्क्रीन हो सकती है, इस तरह से आप सौदे खरीद बेच सकते हैं, बाय सेल कर सकते हैं या सेल और बाय कर सकते हैं, जो भी आप प्रिफर करते हो, जो भी मार्केट कंडीशंस हो। उसके बाद देखिए दोस्तों आता है अपनी क्या क्या होता है। देखिए बाई सेल आप करते हैं, उसके बाद प्राइस फ्लक्चुएशन देखते रहते हैं आप कि कैसे क्या प्राइस फ्लक्चुएशन। शॉर्ट सेलिंग आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है टेक्निकल चार्ट, जो बहुत ज़रूरी है टेक्निकल चार्ट। देखिए कैंडल स्टिक जो चार्ट होते हैं, या 5 मिनट बेसिस पे कोई लोग देखते हैं, कोई हाफ एन आवर बेसिस पे देखते हैं, कोई 15 मिनट बेसिस पे देखते हैं। तो ये सब चीज़ें उम्मीद है आपको समझ में आ रही होंगी अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं। अगर नहीं समझ में आ रही तो इनको जरूर समझिए कि ये सब करना आपके लिए ज़रूरी है एक इफेक्टिव इंटरडे ट्रेडर बनने के लिए। उसके बाद देखिए दिन भर आपके दिल की धड़कने कैसे धक 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 ऐसे होती रहती हैं प्राइस के ऊपर नीचे होते हुए। तो इस तरह से आप इंटरडे ट्रेडिंग में डील करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है देखिए क्या रिजल्ट्स आते हैं इंटरडे ट्रेडिंग के। प्रॉफिट आपको बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है पर डे का, आपको देखिए लॉसेस भी हो सकते हैं, प्रॉफिट और लॉस दोनों ही होता है। जैसे जिंदगी में उतार चढ़ाव दोनों होता है, उसी तरह दोस्तों ट्रेडिंग में भी, खासकर इंटरडे ट्रेडिंग में प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ही हो सकता है, या तो नो प्रॉफिट और नो लॉस की सिचुएशन भी आपकी पर डे के हिसाब से कभी कभी रह सकती है। सो ये जो आउटकम्स हैं ट्रेडिंग के वो ये आते हैं अपने। उसके बाद दोस्तों और जो लाइफ है, नॉर्मल जो लाइफ जीते हैं जैसे आम इंसान जीता है उस तरह से, जिसमें सैटरडे संडेज, देखिए काफ़ी दर्दनाक सैटरडे संडेज रहते हैं जो इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ये काफ़ी कुछ मन नहीं लगता जो इंटरडे ट्रेडर्स होते हैं, क्योंकि मार्केट ऑफ रहता है सैटरडे संडे को यूजुअली। सो काफ़ी मन नहीं लगता उन लोगों का। सो उसके बाद अपने मार्केट हॉलीडेज पे भी देखिए काफ़ी परेशान रहते हैं जैसे। और देखिए लिस्ट भी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है जो 2020 के मार्केट हॉलीडेज हैं, वो आप देख सकते हैं इसमें। अभी देखिए आने वाले जो है अक्टूबर 2 को भी फ्राइडे है जो वहाँ ऑफ रहेगा मार्केट, फिर नवंबर 16 को, नवंबर 30 को भी ऑफ रहेगा, उसके बाद दिसंबर 25 को भी ऑफ रहेगा। तो ये और कुछ हॉलीडेज हैं सैटरडे संडे हटा के, ये कुछ और हॉलीडेज हैं जो मार्केट ऑफ रहेगा जिसमें। उसके बाद देखिए दोस्तों फैमिली फ्रेंड्स और ट्रैवल, अपना घूमना फिरना, अपना सोशल वर्क, ये सब देखिए लाइफ में चलता रहता है, चलना भी चाहिए अच्छे से। आप देखिए दिन भर आप ट्रेडिंग करिए वो अच्छी बात है, शाम में थोड़ा सा वक्त फैमिली को जरूर दीजिए, सब कुछ अपना काम वाम निपटा के। देखिए प्रोफेशनल आदमी जो होते हैं वो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही अच्छे बैलेंस तरीके से करते हैं, आपको भी अच्छा बैलेंस समन्वय बनाना चाहिए। शाम में फैमिली के वक्त जरूर दीजिए, फैमिली के साथ जरूर बातचीत करिए और बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो करिए। फ्रेंड्स के साथ जरूर कभी कभी वक्त दीजिए, कभी कभी कॉल, कभी कभी उनकी बातचीत करना, कभी उनके हाल चाल लेना और बहुत सारी चीज़ें जो होती, फ्रेंड्स को भी जरूर ध्यान दीजिए। और देखिए घूमने पे जरूर ध्यान दीजिए, कभी भी आपको सैटरडे संडे छुट्टी मिले या 1-2 दिन आप और ले सकते हैं जिस दिन आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, तो सब मिला के आप घूमिए जरूर, टूर पे जरूर जाइए। घूमने से एक देखिए नजरिया हमारा चेंज होता है, हम अलग अलग तरह की चीजें देखते हैं, अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं, अलग अलग सिचुएशन से डील करते हैं, तो उस तरह से हमारा जिंदगी को देखने का नजरिया चेंज होता है। इंडिया पहले घूमिए, देखिए मैं अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया जरूर घूमिए, उसके बाद यूरोप और फॉरेन कंट्रीज तो है ही देखिए घूमने लायक। सो जो भी आपका जहाँ भी मन है वो आपकी पर्सनल चॉइस है, आप घूमिए जरूर, कभी ना कभी वक्त निकालिए, 2-4 महीने में एक बार एक टूर जरूर करिए अपनी बैलेंस के हिसाब से, फाइनेंशियल्स के हिसाब से, जैसा आपको प्रेफरेबल लगे। सो इस तरह से एक नॉर्मल लाइफ जो होती है वो होनी चाहिए या होती है एक प्रोफेशनल इंटरडे ट्रेडर की। उसके बाद दोस्तों देखिए इवनिंग एसेंशियल्स, ये बहुत ज़रूरी पार्ट है इस वीडियो का, इसको जरूर देखिए कि इवनिंग में आपको क्या क्या करना है। पहली तो बात आती है डे वाइज पॉइंट, डे पॉइंट वाइज जर्नल, मतलब आपको डेली पॉइंट वाइज जर्नल बनानी ही बनानी है। अगर आपने 3 सौदे किए तो लिखने हैं कि मैंने इतने पे बाय किया, इतने पे सेल किया और क्यों, और इतने पे बाय और सेल किया, अगर मुझे प्रॉफिट हुआ तो कैसे हुआ,
अगर मुझे लॉस हुआ तो कैसे हुआ, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। बहुत आपको बहुत छोटी सी देखिए कहीं भी आप कर सकते हैं, जैसे लैपटॉप में एक वर्ड फाइल बना सकते हैं, उसमें आप लिख सकते हैं जैसे मान लीजिए आज 18 सितंबर है, 18 सितंबर 2020 बाय दिस ईयर बाय प्राइस दिस ईयर ऑटोमेटिक होता है, बस आपको सिर्फ क्वांटिटीज डालनी है। मुश्किल चाहिए देखिए दोस्तों, मुश्किल चाहिए मुझे लगता है ये सब आप करेंगे तो 15 मिनट्स का काम है, लेकिन ये 15 मिनट्स आपको समझ लीजिए बहुत ही अच्छा, जब आप कभी पीछे अपने ट्रेड्स देखेंगे, आप कभी स्टडी करना चाहेंगे किस तरह से मैं ट्रेडिंग करता हूँ, आपके ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, तो ये जो जनरल होगी वो आपको दर्शाएगी कि आपकी ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, उसमें आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और क्या क्या कमियां उसमें हैं, या क्या क्या आप अच्छा चीज उसमें कर रहे हैं, तो ये सब चीजें आपको बताएंगी। ऐसे आप ध्यान नहीं रख पाएंगे कौन सा ट्रेड आपने कैसे किया है कब किया है, तो ये जनरल देखिए जरूर बताइए, फायदेमंद है, बहुत ज्यादा फायदेमंद है। सो उसके बाद चर्चा आती है डिफरेंट स्ट्रेटेजीज ऑफ प्रॉफिट, कुछ स्ट्रेटेजीज आपकी होनी चाहिए प्रॉफिट की, कि ये स्ट्रेटेजी ऐसे अपना के मैं ऐसे प्रॉफिट कमाऊंगा। फिर आता है कॉजेज ऑफ लॉस, ये आपको पता होना चाहिए, सब आपका नोट भी होना चाहिए डेली पॉइंट वाइज जर्नल में। उसके बाद आता है नेक्स्ट डे प्रिपरेशन, नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन आपको मैंने जैसे बताया इवनिंग में ही कर लेनी है, और मॉर्निंग में उसको 8:30 बजे के बाद रीचेक करना है 9 बजे तक, ताकि कोई गलती ना हो। उसके बाद दोस्तों आता है वॉस केस एनालिसिस, वॉस केस एनालिसिस जरूर करनी है देखिए, कि अगर बहुत ही बुरे हालात हो गए उस दिन मार्केट में, तो आपका क्या एनालिसिस है, आप उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं, या आपको ट्रेड नहीं करना है, या किस तरह से आपको ट्रेडिंग को देखना है, या लेनी है ट्रेड्स या नहीं लेनी है, इस तरह के एनालिसिस जरूर करिए। देखिए ह्यूज लॉस मतलब बहुत ज्यादा लॉस अगर आपको हो रहा है, तो क्या आपके पास कोई बैकअप स्ट्रेटेजी है, क्या आप एवरेज कर सकते हैं उसको, क्या प्रेफरेबल है उस समय पे एवरेज करना, या कुछ और शॉर्ट सेलिंग आप कर रहे हैं, या आपने शॉर्ट सेलिंग कर रखी तो आप बाय कर रहे हैं किसी पोजिशन पे, तो इस तरह की बैकअप स्ट्रेटेजी वो अपनी अपनी हो सकती है इंडिविजुअल, इन सब के बारे में हम चर्चा करें डिटेल में, आप कैसे कर सकते हैं इस चीज को, तो इस तरह की बैकअप स्ट्रेटेजी जरूर अपनाइए। उसके बाद बात आती है दोस्तों बजट एलोकेशन फॉर नेक्स्ट डे, हाँ ये बात बहुत ध्यान रखिए कि बजट एलोकेशन क्या होना चाहिए आपका नेक्स्ट डे में, अगर आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है तो उम्मीद है आप कल कम पैसों से करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग, या थोड़े से उसमें कटिंग करेंगे पैसों के बजट में कि मैं इतने से करूंगा फिर आगे नेक्स्ट ट्रेड इतने से लूंगा, इस तरह से बजट एलोकेशन जरूर करिए। और न्यूज एंड नॉलेज का तो खेल ही है दोस्तों ये पूरा, तो न्यूज एंड नॉलेज पे तो जरूर ध्यान दीजिए करें, और इंटरडे ट्रेडर के लिए न्यूज एंड नॉलेज तो समझ लीजिए सोने की खान की तरह है, और उस खान में आपको घुस के ही अंदर सोना निकालना है, तो न्यूज एंड नॉलेज एक खान है जिसमें आपको घुसना है, तो न्यूज एंड नॉलेज जरूर लेते रहिए। तो ये इवनिंग एसेंशियल जो है ये आपको जरूर जरूर फॉलो करने हैं, एक प्रोफेशनल ITD को ये जरूर फॉलो करने हैं। फिर आता है जर्नल एडवाइस जो मेरी तरफ से है इंटरडे ट्रेडर्स के लिए, बहुत जर्नल एडवाइसेस हैं, ये टिप नहीं, टिप का गाना याद है ना आपको, जिसने ली टिप उसकी आज नहीं तो कल शुरू हो जाएगी लॉसेस की सिप, तो ध्यान रखिए मैं टिप नहीं दे रहा हूँ, मैं एडवाइसेस दे रहा हूँ कि क्या क्या आपको प्रॉफिटेबल हो सकता है, किस तरह से आप अच्छे से इंटरडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो फर्स्ट एडवाइस जो है वो डोंट गो फॉर ITD विद मोर बजट, देखिए ज्यादा बजट से मत करिए, बहुत ही रिस्की होता है ये, ज्यादा बजट इसके लिए एलोकेट मत करिए, मिनिमम बजट करिए फिर उसी से प्रॉफिट कमाइए, फिर उससे आगे बढ़िए, फिर उससे प्रॉफिट कमाइए, उससे आगे बढ़िए, इस तरह से अपनी अप्रोच रखिए। डोंट गो टू मच ट्रेडिंग इन अ सिंगल डे, देखिए अगर आपके एक दो प्रॉफिटेबल ट्रेड हो चुके हैं तो ज्यादा जरूरत नहीं कि आप बार 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 ट्रेडिंग करें उसी दिन में, ऐसा कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखिए। फिर आता है यूज लेस मार्जिन और से नो टू मार्जिन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखिए ब्रोकर आपको मार्जिन तो दे देगा, कोई कोई ब्रोकर तो मैंने आज देखे 15x तक आपको मार्जिन दे रहे हैं, मतलब आपके पास अगर 10 रुपए हैं तो मान लीजिए आप 150 रुपए का 15%, 15x इतना ही हुआ ना, हाँ 150 रुपए का मार्जिन आप यूज कर सकते हैं, बहुत हाई मार्जिन दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए मार्जिन के चक्कर में आपकी जो नैया है वो बुरी तरह से डूब भी सकती है, मार्जिन अच्छा भी है मार्जिन बुरा भी, तो आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपको उसको किस तरह से यूज करना है, तो जहां तक हो सके मार्जिन ना लीजिए, अपने पैसे जो हैं जो आपके भले प्रॉफिट आपको थोड़ा कम होगा लेकिन मार्जिन के चक्कर में अगर ज्यादा मार्जिन पे आपने ट्रेडिंग कर दी तो लॉसेस के भी चांस रहते हैं। सो अप्लाई एवरेजिंग इफ पॉसिबल एंड सुटेबल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसे मैंने आपको बताया जहां पे आपको पॉसिबल लगे सुटेबल लगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसा आपको सही लगे आप एवरेज कर सकते हैं। एवरेज के ऊपर एक बहुत ही सिंपल और धमाकेदार वीडियो जिसमें पूरी अच्छे से मैंने आपको समझाया कि एवरेज से आप कैसे फायदा उठा सकते हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे हो, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग में हो, या वो इंट्राडे ट्रेडिंग में, हर जगह वो कॉन्सेप्ट लगते हैं। सो एवरेज का जो किस्सा है वो देखिए ऊपर आ रहा है आई बटन पे, उसको देखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रिपेयर योरसेल्फ बिफोर गोइंग टू द बैटल ग्राउंड, जैसे मैंने आपको कहा कि भैया
जिंदगी जीने के लिए भी आप देखिए हर दिन मशक्कत करते हैं, हर दिन अपने को तैयार करते हैं। उसी तरह जो इंटरडे ट्रेडिंग है उसके लिए भी आपको हर दिन आपको तैयार करना है और अच्छे से आपको और मजबूती से आपको उतरना है बैटल ग्राउंड में। एक ये बैटल ग्राउंड ही समझ लीजिए होता है जहाँ पे बहुत सारे लाखों की संख्या में अपने इंटरडे ट्रेडर्स होते हैं और ट्रेडिंग करते हैं, तो उनके बीच में आप भी एक हैं। तो आपको अगर युद्ध अच्छे से लड़ना है तो आपको तैयारी, पहले से बेटर तैयारी करनी पड़ेगी। प्रिफरेबल इफ यू हैव हाई लॉस बैकअप स्ट्रेटेजी, जैसे मैंने आपको बताया एक हाई लॉस बैकअप स्ट्रेटेजी जरूर आपके पास होनी चाहिए। बीवेयर ऑफ रिजल्ट डे शेयर, देखिए रिजल्ट डे शेयर से थोड़ा बच के रहिए, जिनके रिजल्ट आते हैं ना हर दिन आप देखते होंगे इसका रिजल्ट आ रहा है इसका रिजल्ट। बिकॉज क्या होता है कि देखिए जैसे 12 बजे कंपनी ने रिजल्ट अनाउंस किया, अगर उसका रिजल्ट खराब आया और एकदम से शेयर का प्राइस गिर गया और आपने तो लॉन्ग कर रखा है, मतलब खरीद रखा है, आप सोच रहे थे उसका प्राइस बढ़ेगा और बेचेंगे, तो आप उसमें दिक्कत में फंस सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा कि रिजल्ट डे शेयर से आप थोड़ा सा बच के रहिए, ये आपको फायदा भी करा सकते हैं लेकिन उम्मीद है ये आपको उससे ज्यादा नुकसान भी करवा सकते हैं। सो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि रिजल्ट डे शेयर्स के अलावा भी बहुत सारे शेयर्स होते हैं, उन पर आप ध्यान दे सकते हैं। फिर आता है बी वेयर ऑफ इलेक्शन डे रिजल्ट, मतलब इलेक्शन डे के रिजल्ट आप देखते हैं ना, इलेक्शन से कितना उठापटक हो जाती है। अभी जो पिछली बार रिजल्ट आए थे 2019 में या 2018 में, एग्जैक्टली याद नहीं है, थोड़ा मैं पॉलिटिक्स में कम ध्यान देता हूँ। उसमें जो रिजल्ट्स आए थे उस दिन आपने देखा होगा मार्केट कितना तेजी से बढ़ा। इस तरह से आप अगर जिसने शॉर्ट कर रखा होगा भैया उसकी तो लुटिया जो है वो डूब गई होगी ना। ये बात ध्यान रखिए, थोड़ा बहुत ही कॉमन पॉइंट है लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते और उसकी वजह से हमें लॉस हो सकते हैं। भैया अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर हैं तो भैया आपको इस सब बातों का ध्यान तो देना ही पड़ेगा। फिर आता है बी वेयर ऑफ इन द न्यूज शेयर, इन द न्यूज शेयर से बच के रहिए। अभी देखिए एचएएल की क्यों न्यूज आई थी, मैं नाम लेना तो ठीक है, नाम लेने में क्या दिक्कत है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, उसकी जो न्यूज आई थी कि उसने ऐसा ऐसा एग्रीमेंट किया गवर्नमेंट के संग, तो उसकी वजह से देखिए कहाँ उसका प्राइस भाग गया था, 1100 के ऊपर वो बिक गया था, एक दिन में 100-100 रुपये बढ़ा, तो आज वो 800 कुछ रुपए में कल ही मैंने देखा है। बताइए आप दोस्तों, आप बात को समझो कि इन द न्यूज शेयर कंपनी जो लॉन्ग टर्म में है उसका जो प्राइस जो बढ़ता है वो फंडामेंटल्स पे बढ़ता है, उसकी क्या अर्निंग्स आ रही हैं, क्या उसकी प्रॉफिट्स आ रहे हैं, कैसे परफॉर्म कर रही है, क्या नए प्रोडक्ट्स हैं, क्या कंपटीशन दे रही है वो मार्केट में, इस तरह से जो पूरा ऑन एवरेज निकाला जाता है उसकी वजह से लॉन्ग टर्म में कंपनी का अच्छा प्राइस ग्रोथ होती है, शेयर प्राइस ग्रोथ होती है। इन द न्यूज शेयर से थोड़े समय के लिए तो वो चर्चित रहता है, फिर उसका वही हाल हो जाता है जब फंडामेंटल उसके वीक रहते हैं। तो इन तरह के शेयरों से आप बच सकते हैं। देखिए फिर आता है बी वेयर ऑफ पेनी शेयर्स, पेनी शेयर्स से बच के रहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। पेनी शेयर्स तो मुझे लगता है इंटरडे ट्रेडर को देखना भी नहीं चाहिए क्योंकि पेनी शेयर्स में आप देखिए फ्लक्चुएशन ही कितना होता है, आप खुद सोचिए, कोई 0.5 बढ़ जाता है, 0.10 बढ़ जाता है, 1 रुपये ही बढ़ जाता है। तो इन सब तरह के पेनी शेयर्स में आप अपना पैसा लगा के क्या कर सकते हैं, अगर इंटरडे ट्रेडिंग आप कर रहे हैं दिन में ही आपको स्क्वायर ऑफ करना है तो भैया वो बढ़ेगा घटेगा आपके ऊपर नहीं, कभी कभी तो लोअर सर्किट लग जाता है, कभी उसमें अपर सर्किट लग जाता है। इस तरह से आप ध्यान रखें, अपर सर्किट लग गया तो आप बेच नहीं पाएंगे, लोअर सर्किट निकल लग गया तो आप, सॉरी अपर सर्किट लगेगा तो क्या होगा, क्या होगा आप बताइए, अपर सर्किट लगेगा मतलब वहां पे बायर्स बायर्स होंगे, सेलर्स नहीं होंगे, तो आप जो है बाई नहीं कर पाएंगे। अगर लोअर सर्किट लग गया तो वहां सेलर्स सेलर्स होंगे, बायर्स नहीं होंगे, तो भैया आप सेल नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से ध्यान रखिए बात को, वह ये चक्कर बड़ा रहता है पेनी शेयर्स में, पेनी शेयर्स के झमेले मत पड़िए। और अपर सर्किट और लोअर सर्किट को अच्छे से मैंने एक समझाया देखिए ऊपर वीडियो में, जिसके आधार पे देखिए मैंने आपको खुद को रिमेमोराइज करवाया, अभी मेमोराइज करवाया, उसके आधार पे मैंने इसी तरह से वीडियो बनाई है, ऊपर लिंक आ रहा है देखिए आई बटन पे, उसको जरूर देखिएगा। उसमें पूरा अपर सर्किट और लोअर सर्किट में कैसे आपको नुकसान हो सकता है, कैसे फायदा हो सकता है, क्या होता है वो, कैसी उसकी टेक्निकल बातें होती हैं, क्या क्या उसमें सावधानी हमें बरतनी चाहिए, लाइव दिखाया है आपको, तो उसको जरूर देखिएगा। तो पेनी शेयर से बच के रहिए, सावधान रहिए। डू नॉट गो फॉर लेस लिक्विड शेयर्स, जैसे मैंने आपको बताया लेस लिक्विड शेयर्स में मत जाइए भैया। इंटरडे ट्रेडर के लिए तो पहली चीज ही ये होती है कि लिक्विडिटी हाई होनी चाहिए, तभी तो ऊपर नीचे जाएगा प्राइस, चाहे वो ऊपर जाए वो चाहे नीचे जाए उससे मतलब नहीं, लेकिन अगर लिक्विड होगा, अगर उसमें शेयर की बाइंग क्वांटिटी ज्यादा हो रही होगी तभी तो ऊपर नीचे जाएगा ना, आप समझिए बात को। लेस लिक्विड शेयर्स में आप बिल्कुल मत जाइए, बहुत ही रिस्की हो सकता है ये। ये जो जनरल एडवाइजेज हैं मैंने आपको दी अपनी तरफ से, इन बातों का बहुत ध्यान रखिए आप, तभी आप एक अच्छे प्रोफेशनल इंटरडे ट्रेडर बन सकते हैं। आइए आगे बढ़ाते हैं वीडियो को, और देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग इज हाईली रिस्की, अवॉइड इफ पॉसिबल।
अब मैंने कह दिया कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, अवॉइड करो आप लोग, अगर पॉसिबल हो सके आप इसको अवॉइड करिए, मत करिए इसको। आप CNC में भले ही इंट्राडे कर सकते हैं, मतलब कुछ शेयर्स लिए और उसी को उसी दिन बेच दिया एक स्विंग ट्रेडिंग की तरह, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग जो होती है दोस्तों बहुत ही रिस्की होती है, ध्यान रखिए इस बात का। पता चले आपने पूरा पैसा एक दिन में लगा दिया और उस दिन आपको नुकसान हो गया बहुत ज़्यादा, तो आप फिर मार्केट में एग्जिस्ट भी नहीं करेंगे। सो अगर मैंने ये कह दिया कि अवॉइड इफ पॉसिबल, तो उम्मीद है आप अवॉइड तो करेंगे नहीं, क्योंकि जो जनरल फीलिंग होती है ना अंदर से वो निकल ही आती है कि नहीं भाई हम तो करेंगे, हम तो करेंगे। तो देखिए करिए, आप करिए, मैं कह रहा हूँ करिए, लेकिन भैया ध्यान रखिए इस बात का, पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर, पेशेंस बहुत ज़रूरी है, इंटर ट्रेडिंग में भी पेशेंस ज़रूरी है दोस्तों। कभी कभी आपने देखा होगा सुबह वो 1 ही रुपये बढ़ता है, फिर धीरे 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 वो देखता है 10 रुपये बढ़ गया, तो इस तरह से पेशेंस, आपको पहले स्ट्रैटेजी पता होना चाहिए, आपको टेक्निकल चार्ट समझ में आने चाहिए, तो ये सब बहुत ज़रूरी है। उसके बाद पेशेंस होना चाहिए आपके, स्ट्रैटेजी तो आपकी कमाल धमाल होनी चाहिए, तभी तो आप इतने बड़े बैटल में, इतने बड़े बैटल ग्राउंड में लड़ सकेंगे। रिस्क मेजर्स होने चाहिए आपके पास, करेज होना चाहिए, नॉलेज एंड डेडिकेशन होना चाहिए। करेज बहुत जरूरी, लॉस हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, देख लेंगे आगे, देख लेंगे प्रॉफिट भी होगा, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, ये चलता रहता है। करेज होना चाहिए, एक जिगरा होना चाहिए, कहते हैं ना एक जिगरा है मेरे पास, जिगरा है, तो नॉलेज एंड डेडिकेशन होना चाहिए बिल्कुल इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। सो ये सब चीज़ें मैंने आपको डिस्कस करी स्लाइड में, रिस्की है लेकिन भैया आप समझ रहे हैं, आप करेंगे तो ज़रूर, तो इस तरह बातों का ध्यान रखिए। एंड करते हैं आज की वीडियो का आज की बात के साथ। आज की बात दोस्तों है वो दिल को चीर देने वाली बात है। देखिए आप भी मेरे साथ बोलिए, इंट्राडे ट्रेडिंग है एक डरावनी सुनामी। डरावनी सुनामी ने आपने देखी है, उस तरह की ये डरावनी सुनामी होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। लेकिन दोस्तों दुनिया में है खतरनाक खिलाड़ियों की भी कहानी। इंट्राडे ट्रेडिंग है एक डरावनी सुनामी, लेकिन दुनिया में है खतरनाक खिलाड़ियों की भी कहानी। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि दुनिया में खतरनाक खिलाड़ियों की भी कहानी है, तो आप भी एक खतरनाक खिलाड़ी बनिए, एक बेहतरीन खिलाड़ी बनिए। ये उम्मीद है मेरी कि आपको इस वीडियो में मजा आया होगा, सबको समझ में आया होगा कि एक लाइफ कैसी होती है इंट्राडे ट्रेडर की। सो एंड करते हैं वीडियो का, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।